नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बिसाकोडाइल ड्रग के बारे में। इस वीडियो में हम समझेंगे कि बिसाकोडाइल जो ड्रग्स हैं वो कहां पर उसको उपयोग में लिया जाता है, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, प्रिकॉशन आप लोगों को क्या रखनी है, मार्केट में इसके कौन कौन से ब्रांड अवेलेबल हैं। पूरी नॉलेज इस वीडियो में आपको बिसाकोडाइल ड्रग के बारे में मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि भाई जो बिसाकोडाइल जो ड्रग्स हैं वो कौन सी कैटेगरी के ड्रग्स हैं। तो ये एक स्टिमुलेंट लैक्सेटिव है। ओके, जो पेशेंट जिनको बहुत ज़्यादा बार बहुत लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, उन पेशेंट को डॉक्टर हैं वो बिसाकोडाइल ड्रग हैं वो ज़रूर प्रेस्क्राइब करते हैं। तो सबसे पहले मार्केट में कई सारी फार्मास्यूटिकल कंपनी अपने अलग अलग ब्रांड नेम के रूप में बिसाकोडाइल टैबलेट हैं वो मैन्युफैक्चर करती है। कई सारे फेमस ब्रांड आपको मार्केट में मिल जाएंगे। उनमें से सबसे जो फेमस ब्रांड हैं वो है क्रेमाफिन प्लस टैबलेट हैं, लैक्सिडाइल टैबलेट हैं, बिसोमर 5 मिलीग्राम टैबलेट हैं, स्विलेक्स 5 मिलीग्राम टैबलेट हैं, बीओलेक्स 5 मिलीग्राम टैबलेट है, लुपीप्लेक्स टैबलेट है। ये कुछ फेमस ब्रांड हैं जो आपको हर किसी मेडिकल स्टोर में और इजीली से मिल जाएंगे। अभी हम दोस्तों बात करते हैं कि भाई इसमें कंटेंट क्या होता है, कौन सी ड्रग्स होती है। इन जो मैंने आपको ब्रांड बताए उनमें होता है एक ही ड्रग होती है जो कि 5 मिलीग्राम स्ट्रेंथ में मिली हुई होती है, वो है बिसाकोडाइल। ओके, अभी हम बात करते हैं इसके उपयोग के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बोला है, बिसाकोडाइल जो ड्रग्स हैं वो एक कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ देने वाली दवाई है। जो पेशेंट जिनको बहुत ज़्यादा कब्जी रहती है, लंबे समय तक कब्जी रहती है, तो उनको बिसाकोडाइल ड्रग है वो डॉक्टर प्रेस्क्राइब जरूर करते हैं। अभी हम दोस्तों बात करते हैं कि इसके क्या साइड इफेक्ट हैं, कि साइड इफेक्ट क्या है। तो देखिए, अगर कोई पेशेंट है जो लंबे समय तक बिना डॉक्टर की सलाह से बिसाकोडाइल ड्रग को यूज़ करता है तो उनके शरीर में कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा डायरिया की उनको प्रॉब्लम हो सकती है, पेशेंट को स्टमक पेन की प्रॉब्लम रह सकती है, नोजिया की प्रॉब्लम हो सकती है, पेशेंट को वॉमिटिंग मतलब उल्टी होने की उनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कुछ बेसिक साइड इफेक्ट हैं जो कि पेशेंट अगर लंबे समय तक बिसाकोडाइल यूज़ करता है तो उनके शरीर में ये साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। ओके, अभी हम बात करते हैं कि जो बिसाकोडाइल जो ड्रग्स हैं वो हमारे शरीर में कार्य कैसे करती है, कैसे ये कॉन्स्टिपेशन को ठीक करती है, उसमें हमें रिलीफ देती है। तो ये एक लैक्सेटिव ड्रग है और ये हमारे बॉवल के जो मूवमेंट है उसको ये इम्प्रूव करती है, बढ़ाती है, उसको इरिटेट करके स्टिमुलेंट करती है। जब हमारा बॉवल मूवमेंट स्टिमुलेंट होगा, बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा, तो हम जो स्टूल हैं वो इजीली से पास आउट हो जाएगा। इंटेस्टाइन में जब ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा, इंटेस्टाइन जो है वो स्टिमुलेट होगी तो इजीली से स्टूल को है वो पास आउट करेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे शरीर में ये बिसाकोडाइल ड्रग है वो कार्य करती है। और ये जो पेशेंट को अगर कोई ऑपरेटिव मतलब सर्जरी करनी होती है तो डॉक्टर उनको बिसाकोडाइल ड्रग जरूर देते हैं जिससे पेशेंट का पेट है वो इजीली से साफ हो सके और इजीली से उनको सर्जरी में किसी तरह की उनको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो प्री ऑपरेटिव ड्रग के रूप में भी इसको यूज में लिया जाता है। अभी हम दोस्तों बात करते हैं कि भाई बिसाकोडाइल जो ड्रग्स हैं उसको उपयोग में लेते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे जो पहली बात है, कोई भी अलग आपको जो लैक्सेटिव दवाइयाँ हैं, जैसे कि एक हर्बल ड्रग है सेना के साथ कभी भी आपको बिसाकोडाइल ड्रग को यूज़ नहीं लेना है, क्योंकि ड्रग इंट्रैक्शन हो जाएगा और भी कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, बिसाकोडाइल ड्रग यूज़ हमेशा आपको लंबे समय तक नहीं करना है। लगभग आपको 2 या 3 दिन तक आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप 2 वीक 3 वीक अगर आप इसका यूज़ करोगे तो आपको हैबिट पड़ सकती है। ठीक है, फिर आप इस दवाई को लोगे तभी आपको इजीली से आप फ्रेश हो पाओगे। ठीक है, तो इस दवाई को लंबे समय तक आपको यूज नहीं लेना है। और इस दवाई का जो इफेक्ट है लगभग 6 आवर्स से लेकर 12 आवर्स तक रहता है। ठीक है, तो हो सके तो आपको रात में आप इसे ले सकते हैं जिससे आपको सुबह उठते वक्त इजीली से आप फ्रेश हो पाओ। ठीक है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। लैक्टेटिंग जो प्रेग्नेंट महिला है वो अपने डॉक्टर की सलाह से ही बिसाकोडाइल ड्रग को यूज करें। बिसाकोडाइल कभी भी आपको अल्कोहल के साथ यूज नहीं करना है। अगर कोई पेशेंट है जिनको और भी डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड किसी तरह की प्रॉब्लम है तो अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही आपको बिसाकोडाइल ड्रग को यूज करना है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो में बिसाकोडाइल ड्रग के बारे में एक बेसिक नॉलेज मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार हैं सब्सक्राइब कीजिए, सामने लगे बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए जिससे हमारा आने वाला हर एक नया वीडियो आप सभी लोगों तक पहुंचेगा। सबसे पहले जय हिंद, वंदे मातरम।